सबके बंधु घर को आए, चंडीगढ़ से व्लॉग बनाए। घड़ी के कांटे पहुंच चुके हैं 12:05 पर। आप लोग पहुंच चुके हैं YouTube चैनल वेकअप व्लॉग्स पर और हम लोग पहुंच चुके हैं इस व्लॉग की शुरुआत पर। हाय, दिस इज दीपक शर्मा और आज की कहानी इस प्रकार है कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको जो प्राणी नजर आ रहा है उसने बहुत साल पहले एक जगह का नाम सुना और सिर्फ नाम सुन के ही उसने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बिठा ली उस जगह को लेकर और आज उसे मौका मिला है उस जगह पर जाके व्लॉग करने का। तो देखते हैं कि आज उसका पॉपअप होता है या वो जगह वैसे ही निकलती जैसा उसने अपने माइंड में इमेजिनेशन बनाई थी। क्या कुछ पॉपअप नहीं होने वाला, व्लॉग बनेगा और जबरदस्त बनेगा, देखना। अच्छा, तो चलो डायरेक्ट वहीं पर जाके आपसे बात करते हैं। घड़ी के घाटे पहुंच चुके हैं 12:30 पर और हम लोग पहुंच चुके हैं टेरेस गार्डन पर, जहाँ पे इस फेस्टिवल का लास्ट डे है और हमेशा की तरह हम हर जगह लास्ट डे पर ही पहुंचते हैं। सो फाइनली आपको दिखाते हैं इस फेस्टिवल का लास्ट डे जो कि लगा है टेरेस गार्डन सेक्टर 33 चंडीगढ़ में। सो कंटिन्यू करते हैं आपको। ओके, चलो। तो जी, हम लोग घूम रहे हैं अभी टेरेस गार्डन में और हमने जो देखा यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए काफ़ी सारे स्टैचूज बनाए गए हैं। आप लोग आएंगे यहाँ पे तो टाइम निकाल के आइए और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जी, हमारे पीछे जो आप दरवाजा देख रहे हैं वहाँ पे भी एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो अभी आपको वहीं पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का एग्जीबिशन। तो मैंने डेली वाले ब्लॉग में आपसे कहा था कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, और इस वीडियो का मेरा ये मैसेज है कि हम लोग कहीं पर भी किसी फेस्टिवल में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ डिस्प्ले में लगी होती है जिसके बाजू में बोर्ड लगा होता है डू नॉट टच एटसेट्रा एटसेट्रा करके, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इग्नोर मारते हैं ये चीज़ सोच के कि यार एक फ़ोटो ही तो लेना है या हमारे टच करने से क्या हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार ये जो एग्जीबिशन में डिस्प्लेज लगती हैं इनमें यार बहुत सारा मेहनत लगती है इसको सजाने में, और उन्होंने बनाए तो उनको पता है कि इस चीज़ को टच करने से नुकसान होगा या नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिए, थोड़ा सा सीरियसली लीजिए इस चीज़ को कि हम लोग कहीं पर भी जाएं तो उस रूल्स का हम पालन करें। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखो, फिर देखो हमारा देश कहाँ से कहाँ जाता है। रुको जी रुको, अभी कहाँ जा रहे हो, हमसे बात तो करके जाओ यार। तो मुझे याद आया कि आज क्रिसमस भी है। सभी लोगों को मैरी क्रिसमस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी बरकत आए आप लोगों के घर में। जीसस आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी बरकत दे, यही मेरी दिल से दुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देखते रहिए YouTube.com, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल मेकअप ब्लॉग्स और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि मेरा ब्लॉग आने पे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सके मेरा ब्लॉग सबसे पहले। और अगर आप Instagram यूज़ करते हैं तो आप मेरे Instagram पेज को विजिट कर सकते हैं मेकअप ब्लॉग्स, और अगर पसंद आए
है तो फॉलो भी मार लो यार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, क्रिसमस मनाइए, और मैं जा रहा हूँ अभी चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेट करने, और आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए क्रिसमस, और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।